हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लेकर आई हूँ यूपी वेस्ट की एक फेमस सब्जी, दही के आलू। तो इस सब्जी के लिए मैं चाहिए बॉयल्ड आलू, छाछ, दही, हरी धनिया और हरी कटी मिर्च। तो इस सब्जी में ज़्यादा मसाले हमें नहीं चाहिए होते हैं। अब हम पैन में सरसों का तेल डालेंगे, उसमें हरी मिर्च, जीरा और हींग अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम पिसी हुई हल्दी डाल लेंगे और अब हम इसमें डाल लेंगे बॉयल्ड किए हुए आलू। और ये सब्जी बहुत ही बनाना आसान है और इसको आप पूड़ी के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। और जैसे हम आलू फ्राई करते हैं नॉर्मल, वैसे ही हमें आलू फ्राई कर लेने हैं। तो हल्के हल्के से मसाले भी डाल लेंगे, जैसे हरी धनिया पिसी हुई, धनिया, लाल मिर्च पिसी और नमक हम इसमें बाद में डालेंगे, वरना दही या छाछ डाल के टाइम ये फट जाएगा। अब हम इसमें अपनी छाछ डाल लेंगे और दही भी मिक्स करके डाल लेंगे। ये मैंने 2 से 4 चम्मच दही डाला है। अगर आप इसको केवल दही में बनाएं तो दही को अच्छे से पहले फेंट लें, पतला कर लें, फिर इसमें मिक्स करें। और इसको हमें लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आने लगे। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मिर्च डाली है, कसूरी मेथी सॉरी, और नमक डाला है स्वाद के अनुसार। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है और ये सब्ज़ी हमारी ठीक हो गई है थोड़ी। और इसको हम गार्निश कर लेंगे हरी धनिया से। सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।